हेलो व्यूअर्स, उत्तर प्रदेश राज्य योजना के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की दो योजनाएं देखते हैं। पहली है बायोगैस आधारित पावर जनरेशन योजना और दूसरी यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बायोगैस आधारित पावर जनरेशन योजना को, इसके परिचय को देखेंगे। इसके तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार डेयरी आदि स्थलों पर 3 से 250 किलोवाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना बायोगैस प्लांट से जनरेटर द्वारा उत्पादित गैस द्वारा की जा रही है। इसके लाभ की बात करें तो संयंत्र का निर्माण लाभार्थी द्वारा कराए जाने के पश्चात मंत्रालय द्वारा 30,000 रूपए से 40,000 रूपए प्रति किलोवाट का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा इसके तहत लगभग 150 पशुओं से 85 घन मीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्र की स्थापना कराई जा सकती है। चलिए बात करते हैं दूसरी योजना यूपी परिवार कल्याण कार्ड योजना की, इसके परिचय पर नजर डालेंगे। इस योजना का मकसद राज्य में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाना है। इस योजना के तहत एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। इसके मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो राशन कार्ड डेटा की मदद से तैयार इस कार्ड में सभी सरकारी योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इस कार्ड के माध्यम से सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को एक पहचान पत्र जारी करता है। यह आधार कार्ड की तरह एक अद्वितीय 12 अंकों का कार्ड है जिसमें उस परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूरी जानकारी होती है। इसके तहत राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं जैसे रोजगार, स्वास्थ्य या अन्य प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।